सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। और मांझी में पिछले दिनों एक युवती की दुष्कर्म के बाद गला काट कर हत्या कर दिए जाने की घटना से आक्रोशित लोग 4 जनवरी को राजधानी रांची के किशोरगंज चौक पर उसी घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन की जा रही थी। शाम करीब 6 बजे मुख्यमंत्री का काफिला हरमू रोड होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहा था। जब मुख्यमंत्री का काफिला किशोरगंज से गुजरा तो उस पर भी हमला किया गया। जिस रास्ते से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरना था वहां एहतियात नहीं बरता गया, बड़ी लापरवाही के रूप में सामने आ रही है। सब तरफ इसकी निंदा हो रही है। कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक और लापरवाही, राज्य के मुखिया पर ही इस तरह से हमला, गंभीर लापरवाही। हालांकि तमाम लोगों की पहचान की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई निश्चित होगी। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हुआ, समय रहते इसे रोका नहीं गया, ना ही मार्ग बदला गया। कहीं न कहीं सूचना तंत्र भी फेल नजर आ रहा है। ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात इंस्पेक्टर भी इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भीड़ के आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री के काफिले को हरमू रोड से भारत माता चौक के पास से डाइवर्ट कर बड़ा तालाब मेन रोड कचहरी चौक होते हुए मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। घटना 4 जनवरी की शाम लगभग 6 बजे की है। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। ये हमला आदिवासियों और झारखंडियों पर हमले जैसा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने और पुलिसकर्मियों पर हमले को कायराना कार्रवाई बताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है, कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। पुलिसकर्मियों पर हमला करना, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करना निंदनीय है। देखिए, ये जो घटना है ये असामान्य घटना है और ये बड़ा सुनियोजित ढंग से साजिश करके, क्योंकि सीएम का जब भी कारपेट गुजरता है उसके पहले रोड ओपनिंग जो व्हीकल होता है, उसके बाद में जो कारपेट होता है उस पर यदि आप नियोजित ढंग से यदि हमला करते हैं, ये हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कानून को एक चुनौती दी गई है और कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आपके पास में विरोध दर्ज करने के कई जगह हैं, कई प्लेटफॉर्म हैं, आप अपना कोई भी यदि आक्रोश है तो उस आक्रोश को आप कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अचानक से एक व्यस्ततम रास्ते और वहाँ पर इस तरह से कितने लोगों की जान को जोखिम में वहाँ पर डाला गया है, कितनी बड़ी संख्या में एक दुर्घटना की आशंका थी, उस दुर्घटना को घटित करवाने में जो चक्र लगा हुआ था उसका उद्भेदन जरूर होगा। हमको लगता है कि पुलिस ने इसको बहुत सीरियसली इसको टेक ऑफ किया है और इसका जल्दी से जल्दी रहस्य उद्घाटन हो, ताकि ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित किया जा सके और समाज में जो अशांति, समाज को जो अफरा तफरी, समाज को जो बांटने की कोशिश हो रही है उस पर कारगर ढंग से रोक लगनी चाहिए। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।